ये सब क्या है? इसमें सीमेंट बहुत कम मिलाया है। ये विजाता का कंस्ट्रक्शन है। इतनी बड़ी बिल्डिंग के लिए ये मामूली सी सरिया लगा रहे हो? ये विजाता का कंस्ट्रक्शन है। इस रेत में तो सीमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। ये विजाता का कंस्ट्रक्शन है। क्या तुम ही हो विनय कुमार? हाँ मैं ही हूँ। अच्छा, मेरा नाम है विधाता। ऊपर वाले विधाता ने इस दुनिया की तकदीर लिखकर इस गांव की तकदीर लिखने के लिए मुझे हुक्म दिया है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ कयामत ला सकता हूँ, किसी भी तूफान को अपने हाथों से रोक सकता हूँ। मेरे बड़े भैया अगर चाहें तो तुम्हारी इंजीनियरिंग की डिग्री को तोड़ मरोड़ के धू धू करके आग के हवाले कर देंगे। चुपचाप प्लान पे साइन कर दे वरना फट जाएगा। बिल्कुल नहीं, इस बिल्डिंग के साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है। सरिये हल्की क्वालिटी के हैं, रेत बजरी में सीमेंट कम लगाया जा रहा है और यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए मैं इस बिल्डिंग का अप्रूवल कभी नहीं दूंगा। अच्छा, मौत से डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं डरूंगा, मैं तुम्हें कोर्ट में ले जाऊंगा। अच्छा, तुझे भी अपनी समाधि बनवानी है क्या? नहीं नहीं, मैं साइन करता हूँ। जल्दी करना। बड़े भैया, तुम्हारी बातों का वाकई कोई जवाब नहीं। तुम्हारी बातों का जोर, तुम्हारी बाहों का जोर, तुम्हारी नजरों का जोर, इतना सब होने की वजह से इस सिटी के सारे मजदूर तुम्हारे कदमों में हैं। इसलिए तो ये सारे एजेंट हर महीने हमें हफ्ता देते हैं। कौन है ये गिद्ध की तरह मुझे देख रहा है? यही है बड़े भैया, मजदूरों में एकता बढ़ाकर हमारे खिलाफ भड़काकर यूनियन बनाने वाला था, इसलिए मैं इसे लाया हूँ। अच्छा, नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करना। अरे बड़े भैया, तुझे कुछ नहीं करेंगे, तू घबरा मत, तेरे माथे पे छोटा सा ठप्पा लगाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि बड़े भैया के खिलाफ तूने अपनी आवाज जो ऊंची की, इस माथे पे ठप्पा लगने के बाद तुझे कोई काम नहीं देगा। जानता है क्यों? क्योंकि वो ठप्पा विधाता लगाएंगे, इसलिए वो देखने के बाद भी अगर किसी ने तुझे काम दिया तो विधाता उसे फर्र करके फाड़ देंगे। समझ गया ना? मेरे पैरों को मजदूरों की बिलकती चीखें बहुत अच्छी लगती हैं। कोई भी शूरवीर क्यों ना हो, उसे धरती में समाए बिना मेरे पैरों को चैन नहीं मिलता। बगावत करने वालों का मुंह बंद करता है मेरा पैर, ये तस्वीर इसीलिए है। अब ऐसी मूर्ति चाहिए, शहर के बीचों बीच लगानी है, जिसे देखकर मजदूर बुरी तरह कांपने चाहिए। मजदूरों की ताकत को दबा कर रख देगी यह मूर्ति। सुन लिया बड़े भैया, समझ लो आपका काम हो गया। जब तक आप अफ्रीका से स्मगलरों की मीटिंग अटेंड करके आएंगे, आपकी मूर्ति तैयार हो जाएगी। वाला चोर कौन है और वो आया कहां से है, पहले इसका पता लगाइए। उसका पता लगाऊं? तो फौरन एक फाड़ने वाला प्लान बना के उस नाग पुष्प वाले चोर के बीन बजा के उसे फाड़ के बाहर निकाल के उसके फन को कुचल दूंगा। जिन घरों पर हमारी नजर है उन घर में फर्र से घुसकर वो बार बार चोरी क्यों कर रहा है? आखिर वो है कौन चोरों का उस्ताद? अरे मर गया रे। आज तो एक रॉड भी नहीं मोड़ पा रहा है, कल जब तेरी शादी होगी तब तो क्या करेगा रे? अरे ये लोहे की रॉड है। जानती हूँ, तू कहे तो मैं मोड़ के दिखाऊँ। क्या? इस रॉड को मोड़। पकड़। देख। हाँ मोड़ ना। अरे बाप रे। अरे रो क्यों रहा है? अरे बता तो सही, रो क्यों रहा है? इस लोहे की रॉड को तो तूने मोड़ दिया, कल हमारा झगड़ा होगा तो मेरे हाथ का क्या होगा? ये लीजिए साहब, वर्क रिपोर्ट। अगर 50 मजदूरों को और बढ़ा दें तो काम और स्पीड से हो जाएगा ना, आप क्या कहते हैं? ठीक है साहब, जरूरत पड़ी तो मैं बता दूंगा। मटेरियल की पोजीशन क्या है? वैसे सीमेंट की मैंने नई बोरियां भिजवा दी थी, आ गई क्या? चार लोड पहुँच गए हैं, अभी और चाहिए क्या? नहीं नहीं काफी है।
पहले जब मैं तेरा चेहरा देखता था तो बिल्कुल चांद सा नजर आता था, लेकिन जब से तूने इस रॉड को मोड़ा है। काम छोड़कर तू इसे क्या पट्टी पढ़ा रहा है? कुछ नहीं उस्ताद, मैं इसे रॉड मोड़ना सिखा रहा था। सुन, पागलों से बातें करेगा तो मैं तुझे मोड़ दूंगा। काम कर और तुम भी जाओ। जी क्यों रे, वो भी तो हमारी तरह एक मजदूरी है ना, तो फिर उससे तू इतना डर क्यों रहा है? वो तो उस्ताद है। ये सब क्या है, इसको क्या हो गया है? डॉक्टर, ये 12 मंजिल की बिल्डिंग से नीचे गिर गया है, आपको इसकी जान बचानी होगी। क्या कहा, 12 मंजिल के बिल्डिंग से ये नीचे गिर गया है? यानी ये एक्सीडेंट का केस है? नहीं नहीं नहीं, बिना पुलिस केस के मैं ये केस हाथ में नहीं लूंगा। सरकारी हॉस्पिटल में ले जाओ। इलाज ना करके इसका मरने तक इंतजार करोगे क्या? ये कहाँ की इंसानियत है? इंसानियत के बारे में सोचूंगा तो फिर मुझे अदालत के चक्कर काटने पड़ जाएंगे। ले जाओ, आउट 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 आउट। डॉक्टर, शराफत से कह रहा हूँ, इसका इलाज करते हो या नहीं? क्यों, मुझसे जबरदस्ती इलाज करवाओगे? मैं इलाज नहीं करूंगा। नहीं करोगे? नहीं करूंगा। ये कहाँ का इंसाफ है? हेलो, ये पुलिस स्टेशन ही है ना? अब ये खतरे से बाहर है, लेकिन 4 दिन तक यहीं रहना होगा। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं। इट्स माई ड्यूटी। ये देखिए, यही है साहब, ये बाहर का गद्दार है, वो अंदर के गद्दार है, पहले उसे अरेस्ट कीजिए। मैडम, आपने अपने चीफ की अनुमति के बिना इलाज किया, इसलिए आपको अरेस्ट करता हूँ। रुकिए साहब, इन्हें अरेस्ट करने से पहले मुझे अरेस्ट कीजिए। ये क्या कह रहे हो? हाँ सर, इनसे जबरदस्ती मरीज का इलाज करने के लिए मैंने ही कहा था। इसमें इनका कोई जुर्म नहीं है, मुझे अरेस्ट कीजिए। लेकिन अरेस्ट करने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिए, जब एक मरीज की जान खतरे में थी तो रूल्स एंड रेगुलेशन बोलकर इन्होंने उस बेचारे का इलाज करने से मना कर दिया। अगर वो मरीज मर जाता तो इनका रूल्स एंड रेगुलेशन उस मरीज के प्राण वापस ला सकता था। बोलिए इंस्पेक्टर, किसी इंसान की जिंदगी को बचाना अगर जुर्म कहलाता है तो मुझे अरेस्ट कीजिए। देखिए डॉक्टर साहब, आपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को ज्यादा समझा है, लेकिन मरीज की जान बचाने की कोशिश नहीं की। मुझे सुरेंद्र की बात में कुछ गलत नजर नहीं आ रहा है, आपने मुझे बुलाकर मेरा टाइम खराब किया। इस समय मुझे अपनी पत्नी को फिल्म दिखाने जाना था। मुझे माफ करना सुरेंद्र। तुम्हारी फीस आधे घंटे में पहुंच जाएगी। अब भूल से भी ऐसा मत करना। यू आर डिसमिस्ड। थैंक यू। वैसे भी तुम्हारे यहाँ काम करने की मेरी कोई इच्छा नहीं, तो फिर? बल्कि शर्म आती है। वक्त पर आपने उसकी जान बचा ली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखना आपका जरूर प्रमोशन होगा। प्रमोशन? हाँ। मेरा वो तो हो गया। देख लिया, मैं तो पहले ही जानता था। वैसे प्रमोशन में ओहदा क्या मिला? डॉक्टर की नौकरी छोड़ने का। सच कह रही हो? हाँ। अच्छा, उस डॉक्टर ने पागलपन के दौरे का इलाज क्यों नहीं कराया? उन्हें ये रोग है, तुमने कैसे जाना? मैं अंतर्यामी हूँ मैडम। इज इट? हाँ। क्या हो गया, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, ये सब मैं देख लेता हूँ, बिल्कुल जैसे कोई सिनेमा देख रहा हो। अच्छा, तो नेक्स्ट रिंग में क्या होने वाला है मुझे बताओ। आपको इससे भी बढ़िया नौकरी मिलने वाली है। ये कैसे बोल रहे हो? क्योंकि आज तुमने बैंगनी रंग की ब्रा पहनी हुई है। इडियट। नमस्ते मालिक, आपने मुझे बुलाया? आओ शिल्पी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। इस तस्वीर को देखो, मजदूरों को कुचलता हुआ ये खतरनाक पैर है। इस पैर को जो देखता है वो फट जाता है रे, इसलिए ये मजदूर चिल्ला रहे हैं। ये पैर किसका है क्या तुम जानते हो? बड़े भैया विधाता का है। विधाता की मूर्ति में इस तस्वीर के भाव भर के आने चाहिए। वो मूर्ति शहर के बीचों बीच लगेगी। जब बड़े भैया अफ्रीका से लौटेंगे तो मूर्ति को देखकर चौंक जाने चाहिए रे, और मुझे शाबाशी देंगे। जाके फौरन काम शुरू करो। माफ करना मालिक, मैंने इन हाथों से बहुत सारी मूर्तियां बनाई हैं। 2 रोटियों के लिए देवताओं की मूर्ति और देश की कला संस्कृति को बाहर उजागर किया है मैंने। अगर देश की कला संस्कृति की इज्जत करना नहीं जानते तो बेइज्जती भी मत कीजिए। यानी मजदूरों के सरों को कुचलते हुए पैरों की मूर्ति बनाकर मैं अपनी संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा। ये हमारी कला के साथ विश्वासघात होगा। अरे फट जाएगा रे, मूर्ति बनाने को कहा तो भाषणबाजी कर रहा है। बता कितने पैसे चाहिए? खाने के लिए पैसा जरूरी है, लेकिन मैं अपने जमीर को बेचकर पैसा नहीं कमाना चाहता। शिल्पी, लाखों मजदूरों को कुचलकर उनका खून चूसकर उनकी बिलकती हुई चीखों का मजाक उड़ाने वाले तुम्हारे उस विधाता की मूर्ति बनाने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है।
सच्चाई पर चलने वाले राजा महाराजा ही मेरे आदर्श रहे हैं। हम मजदूरों के हक के लिए लड़ाई लड़ने वाले महापुरुष लेनिन ही मेरे आदर्श हैं। ऐसे लोगों की मूर्ति बनाने के लिए कहो, मैं मुफ्त में बना के दूंगा। ये सब छोड़कर मजदूरों का सर कुचलते हुए तुम्हारे विधाता के पैर की मूर्ति बनाना मेरे आदर्शों के खिलाफ होगा। मैं कभी नहीं बनाऊंगा। तेरी छेनी से ही तुझे फाड़ डालूंगा रे। मुंह में दांत नहीं है, पेट में आंत नहीं है, शरीर पे मांस नहीं है, जरा सा खून नहीं है तुझे तो। तुमसे जो बने तुम कर लो, मैं तुमसे नहीं डरने वाला। मेरे आदर्श नहीं बदलेंगे। ये क्या भैया, तुम तो बड़े जोश में कह रहे थे कि उसे फाड़ दूंगा, लेकिन वही तुम्हें पर करके फाड़ के चला गया। बिल्कुल सही, वो ऐसा बोल के जा रहा है, अब आप क्या करोगे? ये तो बता रहे राजू, आज दिन कौन सा है? आज शनिवार है। इसलिए तो मैंने उसे छोड़ दिया, वरना उसे यहीं फाड़ देता। शनिवार को मैं न फाड़ने का महाव्रत रखा करता हूँ, इसलिए आज मैं न किसी को चिड़ूंगा न किसी को फाड़ूंगा। हेलो अंतर्यामी जी। आइए, क्या बात है, अचानक इस तरफ कैसे आना हुआ? क्यों नहीं आना चाहिए? नहीं, मैंने तो ऐसे कहा, बुरा मत मानना। कोई काम है क्या? क्यों, तुम तो अंतर्यामी हो, तुम तो जान गए होगे मैं क्यों आई हूँ। हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारे हाथ में मिठाई का डब्बा है, यानी तुम्हें नौकरी मिल गई है। मैं राइट, सच कहा ना? सच है, कोई मामूली नौकरी नहीं, बहुत बड़ी नौकरी है। देख लिया, मैंने कहा था ना, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारी कुंडली के मुताबिक तुम्हारे जीवन में इससे भी बढ़िया एक कार्य होने वाला है। हाँ, वो कौन सा कार्य है, विस्तार से बताएंगे अंतर्यामी जी? बताता हूँ, तुम बहुत जल्द किसी से प्यार करोगी। बाप रे, ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्यार करती हूँ। यानी तभी तो मुझे कुछ खटक रहा था। वो भी तुमसे प्यार करता है, उसने तुम्हें बताया? बताया तो नहीं। देख लिया, यही तो मुझे खटक रहा था, मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं निकलती है। ठीक है, बताओ उससे मेरी शादी होगी या नहीं? जरा रुको, छोटी मोटी अड़चने आएंगी, पर धूमधाम से तुम्हारी शादी होगी। ओहो, इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो? तुम इतना जोर डालकर पूछोगे तो मैं बता नहीं पाऊंगा। आज तुमने गुलाबी रंग की ब्रा पहनी है ना? बस बस, बहुत बोल गए, वाकई में वही पहनी हुई है।